सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, एम आई ऑफ सॉलिड कोन या केवल कोन भी लिख सकते हैं। इसका आंसर होता है 3/10 एम आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग एलिमेंट कोन में लेते थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का ये एलिमेंट, ये x है, इंक्रीमेंट dx है, ये जो एलिमेंट है ये एक डिस्क होगा, इस डिस्क का मास लिखिए dm। बोलो कितना होगा dm? टोटल मास m, टोटल वॉल्यूम 1/3 πr²h। मास पर इन वॉल्यूम हो गया, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका वॉल्यूम कितना? πr² × dx, r इसका रेडियस, और ये r हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा इस ट्रायंगल में होगा स्मॉल r पाई ये h माइनस x, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में होगा कैपिटल r बाई h। तो स्मॉल r का वैल्यू हो गया h माइनस x r बाई h। इसको आप यहां रख दीजिए, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3m बाई r स्क्वायर h, स्मॉल r लिख देते हैं, h माइनस x का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू dx। तो 3mh³ h माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये dm हो गया। अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है, और ये एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का? di हाफ dm r स्क्वायर, हाफ m r स्क्वायर। तो हाफ dm के जगह 3m बाई एच क्यूब एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ होल क्यूब कर देते हैं, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करें, एक्स का वैल्यू 0 से एच तक। फोर हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर था ना, ये डी आई। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। इसके इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, 3/2 बाहर, एम बाहर, एच फाइव बाहर, आर स्क्वायर बाहर, बचा कितना? एच माइनस एक्स का पावर 4 डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से एच। इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हारे पास है, याद है, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन डी एक्स कितना होता है? ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू ए। तो ये अगर 4 हो जाए यहां, या 5 ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो ए एक्स प्लस बी है, ए कितना है माइनस वन एक्स, और बी कितना है एच, इसका इंटीग्रेशन 3mr² / 2h5 into ax + b raised to the power n,
एच माइनस एक्स का पावर 5/5। ये तो x प्लस बी का पावर n हो गया, और x का कोफिशियंट कितना है माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन। लिमिट रख दीजिए जीरो से h। पहले h रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो रखेंगे तो x का पावर एच का पावर 5 हो जाएगा, एच का पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, एच का पावर 5 कैंसिल, 3/10 एम आर स्क्वायर। ये आंसर होगा। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका कि लेंथ L है और ये विड्थ B है, मास M है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछे, इस एक्सिस के अबाउट I1, तो ये कितना होगा 1/12 ml2। कैसे होगा समझा देते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट इसको मान लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उतना ही होगा जितना इस रॉड का होगा। एक रॉड जिसका लेंथ एल है, कैसे, तो भाई आप इसमें कोई एलिमेंट लीजिए, सपोज यहां से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, ये x है और ये इंक्रीमेंट है dx, ये वाला एलिमेंट क्या होगा स्ट्रिप होगा या रॉड कहेंगे, क्योंकि dx बहुत कम है तो इसको आप रॉड कह सकते हैं। रॉड का मतलब वन डायमेंशनल फिगर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, उसी को तो रॉड कहते हैं। तो भाई अगर एक स्ट्रिप जिसका विड्थ dx है, ये वाला dx है, और ये वाला जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर ये थिकनेस फाइनाइट होता तो इसको हम प्लेट नहीं कहते, इसको क्यूबॉइड कहते। क्यूबॉइड और प्लेट में डिफरेंस है, प्लेट का मतलब टू डायमेंशनल फिगर जिसका थिकनेस काफी कम है। तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रिप होगा या रॉड होगा। ये जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया डी आई कितना लिखोगे, और सर रॉड का सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस और लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ के, तो होता है 1/12 एम एल स्क्वायर, 1/12 एम एल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करिए, यहां से लेकर के यहां तक इसमें जितना भी रॉड होगा उस सब के लिए अगर इंटीग्रेट करें तो डी आई का इंटीग्रेशन आई, यहां से यहां तक जितना भी एलिमेंट है वो सब का लेंथ तो सेम ही है, जितना भी रॉड बनेगा उस सब का लेंथ सेम होगा, तो इस लेंथ को बाहर कर दीजिए, 1/12 तो बाहर हो ही जाएगा, dm का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा m, मतलब अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक रॉड जैसा होता है। अगर तुमसे पूछे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, ऐसे इसका, तो कहोगे सर इसके अबाउट I2 अगर लिखे तो 1/12 एम बी स्क्वायर कितना होगा, 1/12। कोई गैप प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करोगे, तो कहोगे देखिए ऐसा लिए ना, तो यहां से ले लीजिए एक्स डिस्टेंस पर ऐसा स्ट्रिप ले लीजिए, तो जब स्ट्रिप आप ऐसा ले लेंगे ऐसा,
यहां से x डिस्टेंस पर dx वेक्टर का, तो ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप का लेंथ क्या कहेंगे, b के बराबर, और इसका सेंटर ये है, एक्सिस ये है, सेंटर से पास कर रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 1/12 dm b2। अब इसको इस पूरे के लिए इंटीग्रेट करो, तो जितना भी स्ट्रिप बनेगा सबका ये तो सेम ही होगा लेंथ, तो 1/12 pa² बाहर हो गया और dm का इंटीग्रेशन है। ये तो आप पहले से जानते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अबाउट कितना होगा। ये जो एक्सिस है ये इस रेक्टेंगुलर स्लैब के सेंटर से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, और एक डायगोनल के अलोंग है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो ये आई कितना होगा, तो ये बताओ कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट। इस ट्रायंगुलर प्लेट का हाइट ये एच है और इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/6 mh2। ट्रायंगुलर प्लेट का किसी एक साइड के अबाउट, जैसे इस साइड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको एच के, इस साइड के अबाउट निकालना तो यहां से परपेंडिकुलर उस साइड पर डाल दीजिए। ट्रायंगुलर प्लेट का होता है 1/6 mh2। ये कैसे होता है ये जरा प्रूफ करके देख लेते हैं, 2 मिनट का प्रूफ है, ये होमवर्क दे दे, नहीं अभी करो, फिर बताओ ये कैसे होता है। इस एलिमेंट में लिए हैं, यहां से ये डिस्टेंस x है और ये इंक्रीमेंट dx है, ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, स्ट्रिप होगा या रॉड होगा, ये जो रॉड है इस रॉड का मास लिख लो, इस रॉड का मास सपोज dm है, मास तुमसे लिखवा लेंगे रुक जाओ, ये रॉड देख रहे हो ना, इस रॉड का मास कितना है dm। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट di कितना लिखेंगे, जल्दी बोलो, dm इंटू एक्स स्क्वायर, सबको समझ आया, तुमको आया समझ, नहीं आया तो अलग से समझो। अगर तुमसे पूछे कि ये एक रॉड है, ये क्या है, रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, कहोगे 1/12 ml2। इसके अबाउट कितना होगा, 1/3 ml2। अगर पूछे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक सपोज करो x है, ये गिवन है। अब इस रॉड में कोई एक एलिमेंट लो छोटा सा, ये मास dm है, ये जो रॉड में ये एलिमेंट लोगे ये क्या होगा, पॉइंट मास होगा, क्या होगा, पॉइंट मास। इसका मास अगर dm है, ये डिस्टेंस x है, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखेंगे dm into x square। इसको इंटीग्रेट करो इस पूरे पर, तो जितना भी इसमें एलिमेंट होगा, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहां से यहां तक जितना भी एलिमेंट है, इस एक्सिस से डिस्टेंस तो सबका सेम है, बोलो ना, तो डिस्टेंस अगर सबका सेम है तो ये एक्स स्क्वायर तो इसमें कांस्टेंट हो गया ना जी, तो dm का इंटीग्रेशन इस पूरे पर कितना होगा, m, आंसर क्या होगा, mx2। ये रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा dm इसका मास इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका मास लिखना है, कैसे लिखें, ये पूरे का मास m है और इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया 1/2 इंटू बेस, ये लेंथ सपोज करो l है,
इंटू एच, ये हाइट यहां से यहां तक एच दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है एच, तो मास पर एरिया हो गया। इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना है। इसका एरिया लिखने के लिए तुमको ये लेंथ लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं ये लेंथ L1 है और ये विड्थ कितना है dx है, तो L1 into dx, मास पर एरिया लिखकर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अंकित को समझ आया? अब ये L1 को L के टर्म में आपको लिखना है, लिखिए जरा ज्योमेट्री से। इसको ऐसे कैलकुलेट किए हैं, देखो इस वाले ट्रायंगल में ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे और ऐसे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये जो एंगल है थीटा अगर है, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ, इस लेंथ को कुछ मान लेते हैं सपोज y मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये लेंथ कितना h माइनस x इक्वल टू इस ट्रायंगल टेन थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ, इसको कुछ मान लो y डैश और ये लेंथ ये h है, यहां से y का वैल्यू हो गया y डैश इंटू एच माइनस एक्स बाई एच, आ गया ना समझ। उसी तरह से यहां तक को कुछ मान लो और ये ट्रायंगल ऐसे ले लो और दूसरा ये ट्रायंगल ले लो, ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप मान लीजिए y वन और यहां से यहां तक को मान लीजिए y डबल डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल दोनों होगा ना जी, y1 का वैल्यू ये y1 कितने के बराबर y डबल डैश इंटू एच माइनस एक्स बाय एच, अब इस दोनों को जोड़ दो तो y प्लस y1 कितना हो जाएगा l1, इसको जोड़ देंगे तो l1 और इस दोनों को जोड़ दो तो ये तो कॉमन हो गया y डैश प्लस y डबल डैश कितना हो जाएगा l, इसको यहां रख देते हैं, दिस इज 2m बाय एल एच इंटू एल वन को l के टर्म में l बाय एच एच माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एल और n को उड़ा दीजिए, ये हो गया 2m एच माइनस एक्स बाय एच इंटू डी एक्स, ये हो गया डी एम। डी एम का वैल्यू एक्स के टर्म में यहां पर रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स कहां से कहां तक जीरो से एच तक, जीरो से एच तक करिए इंटीग्रेट, ये ट्रायंगल का ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक साइड के, इसको याद रखना। अब पिछले क्वेश्चन पर आइए, अब पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको विश्वास ऐसा है। चलो देखो यार, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इसका लेंथ L है, विड्थ भी है, मास M है, मास कितना है M, तो आपको आंसर जो बताना है वो M, L और B के टर्म में बताना है। आप क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर इस पर डाल दीजिए, ये H मान लीजिए, तो जितना परपेंडिकुलर ये होगा सिमिलरली उतना ही परपेंडिकुलर ये भी होगा, ये तो कह सकते हो। ये एक प्लेट है,
किसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसके अबाउट निकाल, ये होगा 1 बाय 6। इसका मास कितना है, m/2, मास कितना है m/2, तो 1/6 mh स्क्वायर ये फॉर्मूला है, तो m/2 इंटू एच स्क्वायर, ये तो इसका हो गया, उतना ही इसका भी होगा, आइडेंटिकली प्लेस है, तो इंटू 2 आंसर हो जाएगा 1/6 mh स्क्वायर। अब h का वैल्यू केवल हमको निकाल के रख देंगे, हमारा काम हो गया। h का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, सो देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर तुमसे पूछें कि इस पूरे प्लेट का एरिया कितना होगा, तो कहोगे सर l इंटू बी, ये जो हाफ प्लेट है इसका एरिया कितना होगा, तो कहोगे 1/2 इंटू बेस इंटू h, ये फॉर्मूला होता है। ये बेस लेंथ कितना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1/2 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एच होगा कि नहीं, ये आधे का, तो इसका कितना, उतना ही, तो इंटू 2 कर देते हैं, हमको एच निकालना था, एच हो गया एल बी बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये एच हो गया, इसको याद रख दो। ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेट, ठीक, इसको मिटाते हैं फिर।
साइन रहेगा हाफ एम आर स्क्वायर, और अगर इसको हम और आधा कर दें फोर्थ डिस्क मास एम रेडियस आर इस एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, और अगर कहें कि ऐसे ये एंगल थीटा है इसका भी हाफ मास सेम होना चाहिए, मास इसका भी एम है जो एंगल थीटा बना रहे हैं तो इसका भी हाफ एम आर स्क्वायर। कैसे ये समझा पहले, अरे मास एम है रेडियस आर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, आप हाफ डिस्क एक ऐसा ही लेट कर लीजिए बिल्कुल आइडेंटिकल, तो इसका भी मास कितना होगा एम होगा, होगा कि नहीं? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना होगा, तो कहोगे हाफ इनटू इसका मास 2m इंटू आर स्क्वायर। अब हम कहें कि अच्छा ये बताओ कि इसके अबाउट इस आधे पोर्शन का जितना होगा इस आधे पोर्शन का तो उतना ही होना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, तो अगर हम इस आधे को काट दें और पूछे केवल इसका कितना होगा तो आप कहोगे सर उसका आधा कर दीजिए पहले से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडर से अगर माने तो ये हो जाएगा इसका आधा मतलब हाफ एम आर स्क्वायर। बात समझ आया? ठीक है तो लिखो। तो उसको वो तो समझ आ गया ना, थीटा एंगल रहेगा तो उतना ही होगा, ये समझ आ गया? ठीक है तो इसको मिटा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो ही जाएगा, तो कुछ ऐसा लगा नहीं हमको। अच्छा इसका अगर पूछे देखो तो जरा सब लोग ऐसे ही बताओ बिना लिखे, ये क्या है क्यूबॉइड, लेंथ है विड्थ है हाइट है, लेंथ एल विड्थ बी हाइट एच, और इसके अबाउट क्या है इस एच के अबाउट, ये हाइट एच। और कुछ कैसे क्या सोच रहे हो? तुम लोग भी सोच के बताओ, ऐसे दिखा रहे एल है एच है और ये नहीं दिख रहा है ये बी है, ये कितना है बी है और ये एक्सिस है, एक्सिस ये रहेगा ना ये एक्सिस और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बोलो,
तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा था, हमको करने मत देगा। ये जो है इसको इस तरह से स्लाइस में कट करो, छुरी लाओ और ऐसे कैसे ये 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 ऐसे ऐसे स्लाइस में कट करो, तो उसमें से एक स्लाइस क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेट। एक स्लाइस क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेट। केवल एक स्लाइस का लिखो, इसका सबसे पहला वाले का ध्यान से देखो, ये एक्सिस ऐसे है, इधर से दिखाए तो ऐसे, ये जो एक स्लाइस है उसका केवल इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? एक स्लाइस का मास डीएम है, एक स्लाइस का मास कितना है? डीएम। तो उसका इसके अबाउट कितना होगा? तो कहोगे सर देखिए, ये वाला जो पहला वाला ये स्लाइस है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है और इस एक्सिस के अबाउट आप पूछ रहे हैं, तो हम इसके अबाउट निकाल लेते हैं, इसके अबाउट निकाल लेते हैं और दोनों को सम कर देते हैं। बोलो ना, इसके अबाउट ये पहला स्लाइस है, तो इसके अबाउट कितना? ये लोग कोई बताना था ना, जोर से बोलते हैं। हाँ आ रहे हैं, दो मिनट आ रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे ना, क्वेश्चन लिख लो। ये कौन है?